नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस डे दैट ईयर, मतलब कि आज ही के दिन कुछ साल पहले भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम में क्या हुआ था, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी आकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं दिस डे दैट ईयर। तो दोस्तों आज के दिन 2007 में भारत ने जो है 2007 का वर्ल्ड T20 कप जीता था। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर 2007 को जो है भारत वर्ल्ड कप T20 चैम्पियन बना था, जहां पर धोनी को जो है एक बिल्कुल नई टीम दी गई थी और उस नई टीम के साथ जो है धोनी ने भारत को विश्व का T20 चैम्पियन बनाया था। अब बात करते हैं 2007 के वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में क्या क्या हुआ था भारत के साथ। तो दोस्तों इंडिया को जो है वर्ल्ड T20 2007 के ग्रुप डी में डाला गया था, जहां पर जो है पाकिस्तान भी वही सेम डी ग्रुप में थी। भारत का जो पहला मैच था वो बारिश के कारण रद्द हो गया था और उनको जो है एक भी पॉइंट नहीं मिला था। उसके बाद दोस्तों उस टूर्नामेंट में भारत का नेक्स्ट मुकाबला था वो था पाकिस्तान से, जहां पर जो आप सबको तो याद होगा, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का जो है एक बॉल आउट सिस्टम हुआ था, जहां पर दोनों ही टीमों को जो है स्टंप पे मारने की गेंद दी गई थी, जो ज़्यादा बार स्टंप पे मारेगा वो टीम जीतेगी। वो लम्हा तो आपको याद होगा जहाँ पर भारत ने तीनों ही गेंद स्टंप पे मारी थी और पाकिस्तान की एक भी गेंद स्टंप पे नहीं लगी थी। उसके बाद दोस्तों आया वो लम्हा जो कोई भी भारतीय फैन या कोई भी क्रिकेट फैन उसको नहीं भूल सकता। फिर आए युवराज सिंह के 6 छक्के इंग्लैंड के सामने, जहाँ पर युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंद पे 6 छक्के लगाने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। तो उसके बाद दोस्तों भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हुआ 2007 के। तो उस मैच में दोस्तों आप सबको तो याद होगा, भारत ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी की थी और पाकिस्तान को दोस्तों लास्ट ओवर में केवल 13 रन की ज़रूरत थी और धोनी ने गेंद दी थी जोगिंदर शर्मा को, और जोगिंदर शर्मा ने वो कर दिखाया जो कोई भी भारतीय फैन अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। दोस्तों स्ट्राइक पे थे मिसबा उलक और पाकिस्तान के पास 1 विकेट थे और उनको एक ओवर में बनाने थे 13 रन, और जोगिंदर शर्मा ने मिसबा को बॉल डाली, उन्होंने उस ओवर में छक्का भी मारा, लेकिन धोनी के कुछ रणनीति के कारण मिसबा दोस्तों 5 रन से हार चुके थे और भारत जो है वो 5 रन से 2007 का विश्व विजेता बन चुका था। 2007 वर्ल्ड T20 के बाद ही भारतीय क्रिकेट और ऊंचाइयों पे जाने लगा। उसके बाद 2011 का विश्व कप जीता, फिर 2013 का चैम्पियन ट्रॉफी जीता। ये सारी ट्रॉफी जो है वो मतलब भारत को धोनी ने ही जिताई है। 2007 का विश्व कप जब हुआ तब धोनी को बिल्कुल नई टीम दी गई थी और कोई भी नहीं सोच सकता था कि मतलब भारत इसमें विश्व विजेता बन सकती है, लेकिन दोस्तों धोनी ने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं सोच सकता था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।